गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में बहुत ही मस्त होंगे। और मैंने कल रात को मेहंदी भी लगाई है ऐसे ही। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद माय न्यू वीडियो। सो आज का व्लॉग और ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो है शादी के बाद मेरा फर्स्ट फेस्टिवल है ससुराल में। सो आज जो है मकर संक्रांति है। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को। और पहाड़ में इसे घुगतिये के नाम से जाना जाता है, और घुगते बनाते हैं हम आज के दिन। सो मैंने तो बनाए नहीं, जब तक मम्मी के घर पे थी तब तक मम्मी बनाती थी। सो आज जो है हम बनाएंगे घुगते, मैं भी बनाऊंगी। सो थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि हम घुगते कैसे बनाते हैं। वैसे बेसिकली जो घुगते है, घुगते शायद एक कबूतर को बोलते हैं, नहीं या इसके स्टोरी क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। हस्बैंड भी नहीं है तो थोड़ा सा सैड सैड सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हम उनके बिना भी इंजॉय करेंगे। और सो बने रहिए मेरे व्लॉग में। आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी फ्रेशन अप हो करके, क्योंकि अभी अभी मैं जस्ट उठी हूँ और अभी हो रहा है 7 बज रहा है, 7 o'clock हो रहा है। और पहाड़ी में हम इसे घुगते बोलते हैं, उत्तराखंड में घुगते नाम से है ये त्यौहार, और साल का पहला फेस्टिवल है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो अभी के लिए इतना ही, आगे देखने के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग में। हैप्पी संक्रांति, मकर संक्रांति। सो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, और अभी हल्की हल्की धूप आ रही है, पर मौसम जो है अभी भी अच्छा नहीं है। सोचा था छुट्टी होगी धूप सेकूँगी, बट उतनी अच्छी धूप आज लगी नहीं है। मॉर्निंग में हो रही थी, बट अभी घुगुत बनाने के टाइम पे धूप जो है जा रही है, बादल लग गए हैं और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पर जो भी है, थोड़ी बहुत धूप तो बची है, तो हम चलते हैं बनाने के लिए घुगुत। और तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे घुगुत बनाते हैं हम लोग। भाभी ऊपर लेके गई है आटा, और हमने गुड़ का पानी बना लिया था, और अभी भाभी जो है आटा गूंद रही है, मैंने अभी बर्तन धोए। सो अभी निकलते हैं, अब हम दोनों बनाएंगे घुगुत, देखते हैं भाभी ने क्या किया है। तो दोनों मिलके बनाएंगे घुगुत। मीठा देखते हैं जो होगा फिर अब। हाँ गाइज, ये है बड़े बनाने के लिए हमने मांस की दाल भिगा के रखी थी, इससे हम बनाएंगे अभी बड़े। और सो गाइज, अभी हम बनाने चलते हैं घुगुत। ये है, ये चकला बेलन सब लेके चलते हैं हम छत पर। थोड़ी थोड़ी धूप अभी आई है, बट सारी धूप चली गई है। घुगुती घुरूने लगी
हमारे घुटने बन चुके हैं और अब हम जाएंगे इनको तलने के लिए। धूप भी जा चुकी है। मैं तो लड्डू बना दूं। थोड़ा थोड़ा काट के तल दिए अच्छे होते गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 15 जनवरी और आज है मकर संक्रांति और कल जो है हमने घुटते बनाए थे और आज जो है हम उन घुट को क्रो को खिलाएंगे, कौवे को खिलाएंगे हम। और अभी बाहर मैंने निकल के देखा तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 8:30 पर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक के लिए हम पूजा करेंगे, उसके बाद सबसे पहले मम्मी पापा को भी
हैप्पी गुगुतिया मम्मी पापा। और वैसे घर में बड़े होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कल भी आज भी मतलब साल का पहला त्यौहार है और मुझे मतलब बड़ों की ना बहुत ज़्यादा कमी खल रही थी कल भी और आज भी, क्योंकि ना ऐसे में घर वालों की भी बहुत याद आ रही थी, मुझे मम्मी लोगों की भी बहुत याद आ रही थी, और अगर यहाँ भी होते तो बहुत अच्छा रहता। तो घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, सो बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए आप लोग और अच्छे से उनकी सेवा कीजिए, यही कहूँगी। और सो चलो चलते हैं, अभी पूजा करने चलते हैं, उसके बाद हम घुगते खिलाएंगे कौओं को, तब तक क्या पता थोड़ी सी धूप निकल जाए। तो चलिए चलते हैं, आगे का ब्लॉग आपको कंटिन्यू करूँगी आगे। पूजा कर ली है दोनों ने, भाभी ने भी और मैंने भी, और अभी जो है हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। पहले हम घुघुट ऊपर देख के आते हैं, कौओं को कौओं के लिए घुघुट रख के आते हैं, उसके बाद फिर हम नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। उस साइड सुना इतने कोहरे में कौए भी नहीं आ रहे कहाँ रखे वहाँ वहाँ कौओं के लिए सब देख रहे हैं, कौए कहाँ गए। ये हमने रख दिया है यहाँ पे, कौओं के लिए रख दिया है। ये देखिए दो बड़े भी हैं, इस पर खजूर हैं, पूड़ी है छोटी सी मीठी पूड़ी, और घुगते हैं पूड़ी है। अब कौए आएंगे तो खाएंगे। 9 बज गए, 9 बज गया ना। हाँ ये देखो मौसम कैसा हो रहा है, ये भाभी कौओं का वेट करते हुए। इतना कोहरा हो रहा है कि कोहरे में तो कौए भी रास्ता भूल गए होंगे। देखते हैं अब कौए आएंगे और इन्हें खाएंगे। वहाँ से आवाज़ आ रही है उस साइड से कौओं की, पर अभी तक कोई नहीं आया, तो देखते हैं। पतंग भी तो उड़ाते हैं ना आज, भैया को बोलो जाओ पतंग उड़ाओ भैया को बोलते पतंग उड़ाओ वहाँ पे अंकल जी उड़ा रहे हैं पतंग। पर उनसे उड़ नहीं पा रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं अंकल पर उड़ नहीं पा रही है उनसे पतंग। ओह शिट, सर
सारे अतरे तुम्ही सब जगह कहाँ करा था पूजा नीचे से क्या डांस करा है ना तो? वही तो मैं वही सोच रही हूँ कौन सा स्टेप है वो सिंगम भी फेल हो रहा है अभी रिसेप्शन वाली वीडियो में देखना बहुत खतरनाक वाला डांस है वो स्टेप तो मतलब वहाँ रिसेप्शन में नहीं रिसेप्शन में पूजा कह रही मेरी मम्मी कह रही तू की तो तू क्यों इतनी नाची जैसे मामी के साथ सीधा पे बैठ मामी के साथ बैठ हो खिचड़ी खाओ भैया आज तो खिचड़ी का मौसम है मैं घी ला दी इसके तो तीन चार यार होते हैं एक भी यार नहीं माघ की सो गाइस अभी जो है मैं अपने ड्यूटी पहुंच चुकी हूँ स्कूटी पार्किंग में लगा दी है अब ड्यूटी को जा रही हूँ सो आज का दिन जो है मेरा बहुत अच्छा बीता अभी मॉर्निंग में मैं कल हमने घुगते बनाए थे और आज 15 जनवरी है तो आज हमने जो है वो घुगुत सबको बांटे और आज मॉर्निंग में मैं दीदी के यहाँ भी गई थी छोटी वाली दीदी के यहाँ पर और वहाँ उनसे मिल के आई और बहुत अच्छा लगा और अभी जो है वहीं से आ रही हूँ मैं ड्यूटी तो मकर संक्रांति जो है मेरी बहुत ही अच्छी गई तो ससुराल में जो मेरा फर्स्ट त्यौहार था फर्स्ट फेस्टिवल था वो मेरा बहुत ही अच्छा गया और ड्यूटी आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आज कोहरा इतना ज़्यादा है और साथ में ओस भी गिर रही है बहुत ज़्यादा ठंडा है और दीदी ने शॉल दिया है तो काफ़ी गर्म हो रहा है इससे ठंडा नहीं लग रहा है और अभी पहुंच गए हैं ड्यूटी तो अभी जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो मैं ऐड करूंगी बाकी अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा मेरा कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताना सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगेन आप सभी को हैप्पी घुगतिया हैप्पी मकर संक्रांति सो बाय बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।